सारे कार्यकर्ताओं को मैंने एक बात जरूर कहनी कि कोविड से अभी खत्म नहीं हुआ है, कोविड-19 अभी सबसे बुरा टाइम आना है अगस्त में सितंबर में, तो कृपा करके इसका बचाव करके जरूर रखें, स्पेशली जो 50-55 साल से ज़्यादा है जिसमें मैं भी आता हूँ, हम सबको अपना बचाव करके रखना पड़ेगा अगले 4-5 महीने। मेरे हमारे दोस्त जो है वो ही पूरे हिंदुस्तान के इंचार्ज हैं, हमसे वो जो पहले आते थे हमारे फंक्शन में डॉक्टर विनोद पाल, वो प्रधानमंत्री के एडवाइजर हैं, तो वो उनसे बातचीत होती रहती है। अभी तक इसकी जो मार है वो कम नहीं हुई और आगे ज़्यादा हो सकती है, बच्चों को और बुजुर्गों को अपने आप बचा के रखो, एक बात तो है। दूसरी बात है, जो अंधेरा हुआ था, रात आई थी और रात के 2 बज गए हैं, अब दिन होने वाला है, 2 के 2.5 बजे है ना, तो बाकी डेढ़ तो बचे हैं, जेड़ा लास्ट वाला है ये ईद का जैसे तो पता नहीं लगना, जिंदाबाद मुर्दाबाद से निकल जाना से। आने वाले टाइम पे भी चुनौतियाँ होंगी, पर इतनी बड़ी चुनौती मुझे कोई नहीं नज़र आती जो आपको सत्ता से आने से रोक सके। सत्ता में आना आपका तय है, जो लोग गुमराह हुए थे वो भी चुपके चुपके आना चाह रहे हैं लाइन में, उनको लाइन में लगने दो, पर अपने पीछे लगाओ, आगे मत लगाओ पीछे लगाओ, कि जो लाइन में आए, मेरी नज़र में सब कुछ होता है, मेरी नज़र में मुझे यहाँ बैठे हुए पता होता है कि कौन क्या गांव में कर रहा है, तो टाइम आने पर जो कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए संघर्ष किया है और जो हमारे मजोरिटी कार्यकर्ता है उनके लिए हम लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे, जो गरीब से गरीब है उसके लिए काम होगा, नगरोटा की तरक्की के लिए काम होगा, और जो लोग आपको उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग अफवाह डाल रहे हैं कि बालाजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो भाई मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, बढ़िया है, वो और बढ़िया होगा, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उन लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि डॉक्टर सबको एडवाइज कर रहे हैं कि कोरोना है तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं, हर साथी जो है मुझे फ़ोन कर लेता है, मदन जी से रोज ही बात हो जाती है, मसंत से हो जाती है, दिमाग से हो जाती है, रिहार जी से हो जाती है, जोन से हो जाती, सब जितने भी वर्कर हैं सब मेरे साथ तो बात कर लेते हैं, आपने कृपा करके 2 काम करने, एक तो आगे मेरा मैसेज देना है, एक चिट्ठी जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, इस बार मैं बड़ा दुखी हूँ कि बच्चे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, महिलाएं इकट्ठी नहीं हो पाएंगी, तो हमने ये डिसाइड किया है कि जैसे ही ये कोरोना का कहर कम होगा हम बच्चों के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम करेंगे, चाहे वो डेट आगे पीछे हो जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो टाइमिंग है वो बाल मेले का आगे पीछे
हो सकता है तो अक्टूबर नवंबर में कर लेंगे, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो मैंने चिट्ठी में हर चीज़ लिखी है, वो चिट्ठी कृपा करके सबको पहुँचा दें, जो कार्यकर्ता जो जिम्मेवारी ले, जो प्रधान जी ने कहा पौधे, अब पौधों से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये पौधे मैंने सहारनपुर से मंगाए हैं, 3-4 ट्रक आएंगे इसके, तो ये 23 तारीख को आना शुरू हो जाएंगे, 24 को भी आएगा, 25 को भी आएगा, ताकि ताजे आए। तो 3-3 पौधे, एवरेज 200 घर हैं, 1 मीटर एवरेज 200 घर हैं गांव में, 200 का मतलब होता है 1000 की आबादी। तो जो बड़ी पंचायतें वहाँ ज़्यादा देंगे, छोटी पंचायतें वहाँ कम देंगे। 3-3 पौधे जो है हर व्यक्ति को, हर परिवार के हिसाब से, जो ये नाम लिए इनका काम ये है कि वहाँ ये देखे कि द्वारा द्वारा ना ले जाए कोई, और ये देखे कि सबको चलेंगे। और हमारे किसी वर्कर को और ज़्यादा चाहिए होंगे तो हम बाद में और मंगा लेंगे, उनको अलग से हम अपने वर्करों को पौधे और दे देंगे, किसी को 10 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, किसी को 15 चाहिए, वो बाद में मंगा के दे देंगे। वर्कर तो 350 ही है ना, तो 3000 और आ जाने पौधे ताकि होना चाहिए, तो 3000 और आ जाएंगे। ये अपना दपड़ी नहीं होना चाहिए, ये महंगे हैं, एक एक पौधा 40-45 रुपये का है, बड़ा हो गया। क्या नाम है, है? पौधे का क्या नाम है? पौधे मिक्स दिया दे, जामुन भी देना, अम्ब भी देना, अमरूद भी देना, नींबू भी देना, तो सारे मिक्स करके देने दे। और बेस्ट क्वालिटी के होने, जामुन भी, अम्ब भी, हर चीज। और मैं सदी लिया सर कंपनी वाले तो आई हूँ, तेना हूँ कल पैसे लेके चली आना, तो दे बाद तेना भेज देना, अभी भी वो ही है जो पहले थी। पर ये ना समझे कि नगरोटा के 50,000 आदमियों को एक ही दिन है रोजगार मिल जाएगा, मगर मिलेगा जरूर। इस गवर्नमेंट में पिछले 2.5 साल में 2,500 रोजगार भी नहीं लगे, और हम लोग मौका रहते इसका निकालेंगे। अभी मैं अगले महीने से कॉल सेंटर शुरू करूँगा, ये एक वो छापा है, ये बनवाना है फार्म, तो ये पूरे हिमाचल के लिए है ना। अगर तुम्हारी लड़ाई लड़नी है बड़ी, तो हिमाचल पूरे की गल करे, अनएम्प्लॉयड यूथ का फार्म है ना, ये घर घर जाना चाहिए। तो इससे क्या क्या भरना है? पहले नाम आना, फिर फादर नेम आना, फिर तेरी उम्र आनी, फिर जरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिन्ना पढ़िया, जिसके बाद एक्सपीरियंस है नहीं, अगर कुछ काम किए कुछ तजर्बा है कुछ चीज का, फिर एड्रेस है पूरा। पिया तो रख साया अभिमान। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।